अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन है उस पेपर को मैं आपको टीच करूंगा। तो आपके आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज फर्स्ट टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में द टॉपिक मेन सेंटेंस, यानी आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया और टॉपिक मेन सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस भी उसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज रीडिंग, मुतालिया क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जब आप मुतालिया कर रहे होते हैं तो हम रीडिंग के दौरान जो मेन टॉपिक है उस पर हमारा फोकस होता है कि जो मेन टॉपिक होता है जो सेंटेंस के अंदर होता है, ये सेंटेंस जो है वो मेन टॉपिक पे बात कर रहा होता है, ठीक है ना, वो मेन टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे मैं आपको कह दूँ पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अब स्टार्टिंग लाइन पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो इसी यानी अब इस मेन टॉपिक से ही रिलेटेड बाकी सेंटेंसेस राइट ऑफ हो। तो उनमें क्या आता है कि पाकिस्तान की 65% जो पॉपुलेशन है वो देहात से बिलोंग करती है, मुख्तलिफ अजनास की सब्जियाँ उगाई जाती हैं, फसल खरीफ है, फसल रबी है, ठीक, मौसम बहार में फसलें मौसम गर्मा में भी होती हैं, मौसम सरमा में भी होती हैं, फसलें उगाई जाती हैं। यानी पूरा पैराग्राफ जो है वो किस पे चल रहा है, एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ज़राई निज़ाम के ऊपर ये चल रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी, रीडिंग का मैं तारुफ करवाता हूँ कि रीडिंग होती क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैं अभी इंग्लिश में बोलूँगा यही आपने याद करना है, इसको आपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है। मैं आपको एक दो दिन के अंदर ये टाइप नोट भी दे दूंगा, लेकिन पहले आपको ये रीडिंग को जो मैं आज आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा यही आपके नोट्स हैं, ठीक है, यही आप याद कर रहे हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। टॉपिक वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट टॉपिक आपका है आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया, यानी जो मेन आइडिया है, जो पैराग्राफ है, जो रीडिंग है वो किस पे बात कर रहा है, वो मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना, पहचान लेना, और या फिर टॉपिक सेंटेंस, ठीक है ना, यानी जो सेंटेंसेस रीडिंग के अंदर आ रहे हैं वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस किस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट। और आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको टीच करूँगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और यही आपके नोट्स होंगे। रीडिंग इज अ मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, रीडिंग मुतालिया जो है मीन्स जरिया है ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जुबान के हसूल का, कम्युनिकेशन बातचीत का, यानी हम मुतालिया के जरिए बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैं अपने सामने किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं बातचीत कर रहा हूँ, कैसे, मैं राइटर के लिखे हुए ख्यालात आइडियाज को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या व्यूज है। कम्युनिकेशन एंड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, तो रीडिंग का जो मकसद है, जरिया है, वो है मालूमात को शेयर करना एंड आइडियाज, नजरियात को शेयर करना, ये रीडिंग का बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा वो फर्दर ये भी कहता है कि स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स नीड, पढ़ने वालों को यानी तालबे इल्मों को और पेशावरों को ज़रूरत होती है टू रीड, पढ़ने की, अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, मुख्तलिफ अकसाम की तहरीरों को, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को, ख्यालों को समझने के लिए, एनहेंस देयर नॉलेज, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए उन्हें रीडिंग की ज़रूरत होती है, एंड टू नो, और ये जानने के लिए, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये सब जानने की उनको ज़रूरत होती है। यानी स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जैसे जॉब होल्डर्स लोग हैं, वो रीडिंग न्यूज़पेपर करते हैं, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम, स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर रीड करते हैं, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ एग्जाम की बुक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ राइटर्स को डिस्कशन करते हैं, उनको उनका नॉलेज देते हैं, अपने इल्म में इजाफा करते हैं, इस तरह उन्हें अपने इर्द गिर्द के हकायक के बारे में पता चलता है कि क्या हो रहा है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, रीडिंग नहीं करेंगे,
तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, हम नहीं समझ सकते कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हाउएवर कहा, इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टेन रीडिंग टेक्निक्स, अगर तालबे इलम और पेशावर लोगों को मुताले की तरीकों का मखसूस तरीकों का इलम ना हो, दे मे फील दैट दे आर वेस्टिंग टाइम रीडिंग टेक्स्ट। अगर पढ़ने वाले यानी रीडिंग करने वाले बंदे को अगर रीडिंग की टेक्निक्स का इलम नहीं है तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो रीडिंग करने में यानी तहरीर पढ़ने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अखबार है वो सारी थोड़ी पढ़ी जाती, उसमें मेन हेडिंग्स देखी जाती, मेन हेडिंग से हम गेस कर लेते हैं अच्छा इस हेडिंग के अंदर ये बात की गई है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बाकी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हम हेडिंग को देखकर रीडिंग रीड करके अंडरस्टैंड कर देते हैं कि इसके अंदर क्या बात हो सकती है, क्या बात की जा सकती है, क्या बात की होगी, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इस तरह हकाइक से हम वाकिफ हो जाते हैं। अगर लोगों को रीडिंग की टेक्निक का इलम ना हो यानी तालबे इल्मों को या पेशावर लोगों को, तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। When they learn these techniques, और जब वो ये तरीके यानी मुताले के तरीके सीख लेते हैं and practice them, और उनकी मशक करते हैं, उन्हें बार बार करते हैं, they take action again and again, वो काम बार बार करते हैं while reading, पढ़ने के दौरान, they may find that, तो ये जान सकते हैं कि their reading is more meaningful, कि उनका मुतालिया ज़्यादा बामाइंड है यानी बेमकसद नहीं है, फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है एंड enjoyable, और उनका ये मुतालिया काफ़ी लुत्फ़ है यानी मज़े पढ़ने का जो लुत्फ़ है वो उनको आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक लिटरेचर का बंदा है, उसने लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है या वो एमफिल है, उसके सामने अगर रीडिंग करने के लिए मैथ की कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि इसको अंडरस्टैंड करना है, इसकी तारीफ समझे आप बस, तो क्या वो कर देगा? इम्पॉसिबल, वो नहीं कर सकते क्योंकि लिटरेचर और साइंस में फर्क है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग की टेक्निक्स हैं। अगर हम एमए इंग्लिश बंदे को सेकेंड ईयर का इंग्लिश मैथ पढ़ने के लिए कहा जाए या पढ़ाने के लिए कहा जाए तो वो असल में रीडिंग करते हुए अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, ऐसा नहीं। ये रीडिंग टेक्निक्स होती हैं जिसको मतलब हम वो रीडिंग वही चीज़ रीड करते हैं जिसमें हम हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हम ये गेस कर रहे होते हैं कि अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें गेस हो जाता है, ये गेस कर रहे होते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर, इस हेडिंग के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं, ये लिखे होंगे, ठीक है। तो इसमें ये थी आपकी रीडिंग का इंट्रोडक्शन। रीडिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि रीडिंग जो है ये इल्म के हसूल, मालूमात, नज़रियात को बांटने और अपने इल्म में अजाफे करने का नाम है। रीडिंग के ज़रिए हमें ये फ़ायदे मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर तालबे इल्म और पेशावरों को मुख्तलिफ अकसाम की तहरीरों को पढ़ने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने इर्द गिर्द के हकाइक को जान सकें, अगर उन्हें रीडिंग की टेक्निक का इलम नहीं है तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रीडिंग्स के अंदर जो आज बात की गई है, और अगर वो ये टेक्निक्स जानने की रीडिंग कैसे की जाती है तो फिर हो सकता है कि वो उनके लिए यही तहरीर या यही तहरीरें जो वो पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा एंजॉयबल होती हैं, काबिल लुत्फ़ होती हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं और ज़्यादा बामायनी भी होती हैं, इस तरह उनके इल्म में अजाफा भी होता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही टॉपिक सेंटेंस की तरफ, और सेंटेंस में वो हेडिंग है आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ये हेडिंग के साथ है, मैं आपको मंडे वाले दिन इसके नोट्स वगैरह भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन में आपको शेयर करता चला जाऊंगा। द टॉपिक सेंटेंस वो कहता है उनवान की जो जुमला है
एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, वो पैराग्राफ के मेन आइडिया को जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो नोन, इस जुमले को इस नाम से भी जाना जाता है, की और थीम सेंटेंस. इसको हम की से मुराद है बुनियादी, और थीम सेंटेंस हम थीम सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि उस जुमले का ये थीम है, मौजू है, टॉपिक थीम एक ही मीनिंग है. अच्छा, द टॉपिक सेंटेंस टेल्स, तो टॉपिक सेंटेंस बताता है द रीडर, पढ़ने वाले को व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंसेस, मंदरजा ज़ैल जुमलों के जरिए जो वो तवक्को करता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट जो वो तवक्को करता है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मंदरजा ज़ैल जुमलों से. तो टॉपिक सेंटेंस पढ़ने वाले को मंदरजा ज़ैल जुमलों के जरिए जिसकी वो तवक्को करता है उसके बारे में बताता है, यानी वो टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेता है या कर रहा होता है कि उसका जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक अगर ले लिया जाए पाकिस्तान, अगर इस पे पैराग्राफ लिख दें तो पैराग्राफ जस्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा. इस पे हम इसकी अंदर अंदर देखेंगे, जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, ठीक है, और इसके 5 सूबे हैं, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान. बात किस पे चली जा रही है, मेन टॉपिक हमारा पाकिस्तान है. तो ये जो सेंटेंसेस हैं, टॉपिक सेंटेंस, ये आइडेंटिफाई किसको कर रहे हैं, ये मेन आइडिया किसकी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान की. अंडरस्टूड, होप सो कि आपको समझ आ रही होगी. तो टॉपिक सेंटेंस कैन अपीयर एट सेवरल पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ. टॉपिक सेंटेंस अपीयर, जाहिर हो सकते हैं, नजर आ सकते हैं एट सेवरल पॉइंट्स, कई नुक्तों से इन अ पैराग्राफ. एक पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ में कई नुक्तों से समझ में आ सकते हैं, नजर आ सकते हैं, जैसे है एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड. क्लियर, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस था. और इसमें बिगिनिंग में जो फर्स्ट इसकी हेडिंग है वो है बिगिनिंग अ पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज. पैराग्राफ का आगाज एक टॉपिक सेंटेंस से बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है टू अचीव क्लैरिटी एंड यूनिटी इन राइटिंग. तहरीर में सफाई यानी वाजेपन और यूनिटी और मरबूत होना, एक होना, यकजा होना बहुत जरूरी है. इट इज नॉट ओनली द मोस्ट कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट बट ऑल्सो फिट्स मोस्ट यूनिट्स ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन. तो इट इज नॉट ओनली द मोस्ट कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट, ये ना सिर्फ एक आम पैराग्राफ की तरतीब है बट ऑल्सो फिट्स मोस्ट यूनिट्स ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, बल्कि ये तकनीकी मालूमात को के लिए भी बहुत मौजूद है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको फर्दर इसके असाइनमेंट के साथ पढ़ाऊँगा. तो ये जो मैंने इंग्लिश के साथ ट्रांसलेट किया है, आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, इसको समझना है. जहाँ से आपको नहीं समझ लगी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट. ओके, अल्लाह हाफिज़.